हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपके पास जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसे रिडीम कैसे करें, कैश में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोगों को पता होता है कैश में कैसे कन्वर्ट करें, एंड इजी सा ऑप्शन आपके पास है नेट बैंकिंग का। वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहाँ से आप रिडीम कर सकते हो। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉपअप सेलेक्ट करना होता है, जो ऑफ मोड पर होता है उसे ऑन कर सकते हो। ऑन एंड ऑफ़ के लिए मैंने वीडियो बना दिया, जिन किसी को भी नेट बैंकिंग से रिडीम करना है इजीली रिडीम कर सकते हैं। बट जिनको नेट बैंकिंग से रिडीम नहीं करना है, या फिर अगर वो कर रहे हैं तो और भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली है उन्होंने, उनका रिडीम नहीं हुआ है, तो और भी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। ये आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, माय रिवॉर्ड्स HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कैशबैक रिडेम्पशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको लगेगा, ये आपको बैंक में मिल जाएगा। जस्ट आपको ब्रांच विजिट करना है, आपको बोलना है कि आपको कैशबैक रिडेम्पशन फॉर्म चाहिए, वो फिल करके उनको दे देना है, वो ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे, चेन्नई ब्रांच चला जाएगा एंड आपका जो भी रिडेम्पशन है वो आपको मिल जाएगा। सो ये फॉर्म फिल कैसे करना और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आप एड्रेस यहाँ देख पा रहे हो कि ये चेन्नई में कहाँ एग्जैक्टली जाता है, तो रिवॉर्ड्स हेल्प डेस्क HDFC बैंक कार्ड्स डिवीज़न में जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 8654 में जाता है, तिरुवनमियूर पोस्ट ऑफिस चेन्नई 60041। ये प्रॉपर एड्रेस है, आप जो भी ड्रॉप बॉक्स में डालती है वो इस एड्रेस पे पोस्ट किया जाता है। सो प्लीज़ नोट, कैशबैक इज़ एलिजिबल फॉर ओनली टाइटेनियम प्लैटिनम सीरीज़ लाइक फ्रीडम कार्ड, मनी बैग, सॉलिटेयर, बिजनेस मनी बैग, डाइनर्स रिवॉर्ड्स, रिगालिया, बिजनेस रिगालिया, रिगालिया फर्स्ट, बिजनेस रिगालिया, डाइनर्स क्लब, माइल्स डाइनर्स, इन्फिनिया डाइनर्स ब्लैक, भारत बेस्ट प्राइजेस एंड मिलीनिया कार्ड टाइप। कैशबैक रिक्वेस्ट फॉर एनी अदर कार्ड वेरियंट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड विल बी रिजेक्टेड। तो नॉर्मली लोगों के पास जो मैंने कार्ड्स अभी मैंशन किए, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ, यही कार्ड्स होते हैं, इसके अलावा और कार्ड्स नहीं होते हैं। सो जो भी यहाँ पर मैंशन है यही कार्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन करना कार्ड होल्डर नेम मैंडेटरी फील्ड है, आपको ये कैपिटल लेटर में आपका नाम मेंशन करना है, जो भी क्रेडिट कार्ड पे नाम मेंशन रहेगा वही एग्जैक्ट नाम मेंशन करना आपको यहाँ पे। एंड क्रेडिट कार्ड टाइप आपको यहाँ पे भी एग्जैक्टली बता दिया गया है, टाइटेनियम एज, प्लैटिनम एज, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, टाइम्स टाइटेनियम। तो ये सारे कार्ड्स तो नहीं होते, इसमें से बेसिकली नॉर्मली फ्रीडम कार्ड होता है, तो फ्रीडम कार्ड का आपको कन्वर्जन बता दिया गया। अगर आपके पास एक रिवॉर्ड पॉइंट है, फ्रीडम कार्ड है, एक रिवॉर्ड पॉइंट है, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 10 पैसे है। तो अगर आपके पास फ्रीडम कार्ड है, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 10 पैसे है, थर्ड कॉलम में आपको मेंशन करना होगा नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स टू बी कन्वर्टेड फॉर कैश बैक। रिवॉर्ड पॉइंट्स एज पर लास्ट स्टेटमेंट विल ओनली बी कंसीडर्ड। सो आपका जो भी लास्ट स्टेटमेंट आया था, उस लास्ट स्टेटमेंट में जा कर के चेक कीजिए कि आपके पास एग्जैक्टली कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। नेट बैंकिंग से आप चेक कर सकते हो, तो जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो आपको ये थर्ड कॉलम में मेंशन करना है। एंड प्लीज़ प्रोवाइड द 16-डिजिट कार्ड नंबर। फोर्थ कॉलम में आपको कार्ड नंबर पूरा का पूरा 16-डिजिट नंबर प्रोवाइड करना है, अगर आपके पास फ्रीडम कार्ड है या फिर जो भी कार्ड्स मेंशन किए हैं वो। सेकेंड कॉलम में डाइनर्स रिवॉर्ड्स रिगालिया फर्स्ट है, बिजनेस रिगालिया है, टाइम्स प्लैटिनम। अगर आपके पास रिगालिया है तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 15 रिगालिया, इट मीन्स ये रिगालिया फर्स्ट की बात हो रही है, यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 15 होती है रिगालिया फर्स्ट में। यहाँ पे भी नेट बैंकिंग में जाकर के विजिट करना है, जितने भी आपके लास्ट स्टेटमेंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स दिख रहे थे आपको या फिर दिख रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली मेंशन करना है, और क्रेडिट कार्ड का 16-डिजिट का नंबर प्रोवाइड करना है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी कार्ड्स मेंशन आपके पास सारे के सारे कार्ड्स रहेंगे। थर्ड कॉलम में मनी बैग है, सॉलिटेयर है, बिजनेस मनी बैग है, उसके जो कन्वर्जन रेशियो होते हैं वो 20 पैसे होते हैं। आपके पास जितना भी एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स है थर्ड कॉलम में मेंशन करना है, और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मेंशन करना है। इन्फिनिया डाइनर्स क्लब ये है, तो भी यहाँ पे आपको ये थर्ड कॉलम में मेंशन करना है 16-डिजिट का रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कन्वर्जन रेशियो जो 30 लिखा हुआ है फ़िलहाल वो है नहीं, बट फॉर्म्स में अभी कोई चेंजेस किए गए नहीं हैं, तो यही फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। जस्ट ये फॉर्म भर के अपलोड करना है, वो आगे का देख लेंगे, बिकॉज़ अभी नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं हो रहा है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ये फॉर्म भर के पोस्ट करिए। जस्ट आपको ये फॉर्म भरना है और कोई एक KYC डॉक्यूमेंट दे दीजिए, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका साइन करके उस पर, एंड क्रेडिट कार्ड
एजेंट जो भी वहाँ पे रहेंगे उनको प्रोवाइड कर दीजिए, वो ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन मोस्टली बहुत सारे कस्टमर्स का ये इशू आता है कि ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद भी उनका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कन्वर्जन है वो नहीं होता, कुछ इस पर होता ही नहीं है। तो एक कस्टमर आए थे ब्रांच में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉर्म लिया और वो फॉर्म लेके चले गए। उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत बार ट्राई किया ये ड्रॉप बॉक्स में डालने से लेकिन हुआ नहीं। अब एग्जैक्टली नहीं बता सकते उनका क्यों नहीं हुआ, मोस्टली हो जाता है। तो उन्होंने खुद जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ के पोस्ट ऑफिस पे जा करके प्रॉपर एड्रेस लिख करके ये वहाँ पे चेन्नई ब्रांच में भेजा। तो अब वो अपने साइड से करते, पैसे लगा करके जब भेजते तो उनका हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ से ट्राई किया, नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद के पैसे लगा करके पोस्ट ऑफिस में भेजे, वहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम किए। तो आप खुद से भी भेज सकते हो, लेकिन खुद से क्यों इतनी मगजमारी करने का। अगर बैंक आपको ऑप्शन देगी जस्ट फॉर्म फिल के ड्रॉप बॉक्स में डालिए, उनका भी ठीक ही था, उन्होंने ट्राई किया नहीं हुआ तो फिर उन्होंने उनकी साइड से किया, उनकी साइड से करने से उनको मिल जा रहा था। मिलेनिया जो लास्ट है, मिलेनिया बेस्ट प्राइस सेफ स्मार्ट भारत, 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी, ये करेक्ट है। लेकिन ये 30 पैसे थे, हाँ कैशबैक में कन्वर्ट होते हैं तो 1 रुपी होते हैं। यस, कैशबैक कन्वर्जन रेशियो। तो आपके पास जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो आपको थर्ड कॉलम में मेंशन करना है। कन्वर्जन आपको नहीं करना है कि इसका इतने में हो जाएगा, वो उनकी साइड से कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में या फिर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बनेगा उसमें वो कन्वर्जन दे देंगे। आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ HDFC बैंक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम एंड अग्री टू अबाइड बाई देम। आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई कार्ड अकाउंट फॉर द रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिवॉर्ड्स दी अबव रिडेम्पशन एंड सिग्नेचर करना है, प्लीज़ साइन एज पर बैंक्स रिकॉर्ड। सिग्नेचर के बाजू में सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है उस दिन का। टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेते हैं, प्लीज़ इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू मैड अमाउंट इज मेड टूवर्ड्स योर क्रेडिट कार्ड इवन इफ यू चूज टू रिडीम योर रिवॉर्ड पॉइंट्स टूवर्ड्स कैशबैक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई अमाउंट ड्यू है तो उसे आप क्लियर अप कर लीजिए एंड कैशबैक विल बी क्रेडिटेड टू योर क्रेडिट अकाउंट। आपका जो क्रेडिट अकाउंट है क्रेडिट कार्ड का, वहाँ पे आप क्रेडिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस फॉर्म। जब उनको फॉर्म मिलेगा उस दिन से 7 वर्किंग डेज में वो आपके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, भेज देंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि कैशबैक थ्रू क्रेडिटेड within 10 working days will reflect only in your subsequent credit card statement। भेजने के बाद 10 working days में आपका जो statement बनेगा credit card का वो आपको वहाँ पर reflect हो जाएगा, दिख जाएगा कि आपका conversion इतना होकर के आपको भेजा गया है। Minimum 2500 reward points as per the last statement balance should be available in the card account। To process this request minimum cashback redemption। सो मिनिमम 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन विल बी एज पर द लास्ट स्टेटमेंट। रिवॉर्ड रिडम्पशन रिक्वेस्ट वेयर नंबर ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स मेंशन इज ग्रेटर दैन लास्ट स्टेटमेंट बैलेंस विल बी रिजेक्टेड। ओके, सो आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स था अगर लास्ट स्टेटमेंट में जितना दिख रहा था उससे आपने ज़्यादा या कम मेंशन किया है तो आपका ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली जाकर के चेक कीजिए जब ये फॉर्म आप भर रहे हो कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स एग्जैक्टली है कितना। तो आपको जितना उस टाइम पे शो करेगा लास्ट टाइम का जो आपका बना हुआ था वो एग्जैक्टली मेंशन करना है, ना ज़्यादा ना कम। एंड HDFC बैंक हैज़ द राइट टू चूज़ और अमेंड द फैसिलिटी विदाउट नोटिस टू द कस्टमर्स। इनके पास राइट है कि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे या ना करे बिना किसी नोटिस पीरियड के। Redemption fee of ₹99 will not be applicable while redeeming reward points as cashback. Okay, so redemption fees होती है 99, वो applicable नहीं होगी जब ये reward redeem कर रहे reward points cashback में। किसी और में redeem करते हैं like कोई online shopping वगैरह करते हैं तो इनको 99 का redemption fees लगता है, वो charge होगा। लेकिन अगर ये cashback में redeem कर रहे हैं तो इनको ये नहीं लगेगा। All other terms and conditions of my reward program are applicable। जो ऊपर के terms and conditions दिए गए हैं वो applicable होंगे।
तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर समझना है नहीं। इनकेस कोई इश्यूज़ हो रही है रिडीम करने में रिवॉर्ड पॉइंट्स को, आपको जिस ब्रांच विज़िट करना है ये फॉर्म मांगना है उनसे, कैश रिडम्पशन फॉर्म वो दे देंगे, फिल करना है वो बता देंगे, एक KYC डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, फिर वो ड्रॉपबॉक्स में डाल देंगे। 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको ये मिल जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इतना ही था, थैंक यू गाइज़।